शुरू है क्या? हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज बताएंगे क्या अभी सब कुछ सही है या अभी भी कुछ प्रॉब्लम है? यार डेली कुछ ना कुछ नई नई प्रॉब्लम्स आ ही जाती है ना। चलिए तो जल्दी से बताएंगे। अभी सही आ रहा है क्या? अभी एकदम सही है क्या? सारी चीजें सही हैं? यस, एवरीथिंग इज फाइन फाइनली। चलिए भाई, मैम का सेशन हो और कोई भी वहाँ पे इशू ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन, लेट्स बिगिन दी सेशन। और इसको बंद कर। चलिए सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एवरीथिंग इज फाइन, ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि भाई थोड़ा सा इशू हो ही गया था, ठीक है, कभी कैमरा तो कहीं नेट तो कहीं क्या ही बोले, ठीक है, ये सब टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, चलते रहते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग जुफू, रूपाली, गायत्री, अंजू, जुफू, संगीता, प्रीति, मयूरेश, राम, लक्ष्मण, गायत्री, दिव्या, शिल्पी, सभी को, लक्ष्मण, पायल, वेरी वेरी गुड इवनिंग गिरिजा, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों, ठीक है। चलिए सो लेट्स बिगिन दी सेशन। यू ऑल नो गाइस कि हमने जो है अद्वैत एजुकेशन ऐप लॉन्च कर दिया है। अद्वैत एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर आपको 3 कोर्सेज दिखेंगे जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये तीनों ही कोर्सेज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और बहुत ही जल्दी जो है अद्वैत एजुकेशन की तरफ से आपको बहुत सारे बेहतरीन सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं, क्लियर है। चलिए बैंकिंग के लिए जो बेहतरीन सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं वो है मॉर्निंग 10 to 11 में, और वो है मैथमेटिक्स का सेशन संदीप सर के द्वारा, और इंग्लिश का सेशन है जागृति मैम के द्वारा। तो बच्चों बैंकिंग की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड प्रिपेयर कर रहा है, आपका कोई रिलेटिव प्रिपेयर कर रहा है, तो आई थिंक आपको उन्हें जरूर बताना चाहिए, ठीक है। सो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सभी बच्चे एक बार बता देंगे यस मैम वी ऑल आर रेडी, हम सभी रेडी हैं, और जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सभी लोग बताएंगे मुझे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जवाब कितने ही बच्चों को पता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिसीवर कॉल टू अ सर्टेन टेस्ट, स्वाद का पता लगाने के लिए जो रिसीवर है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा, देखो हर चीज के लिए रिसीवर है आपको पता ही है ना, कौन सा रिसीवर है जिसके द्वारा आप टेस्ट का पता लगाते हैं, ठीक है। किसका पता लगाते हैं भाई? टेस्ट का पता लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे जो है सही जवाब देंगे, ठीक है, सभी बच्चे जो हैं सही जवाब देंगे, और मुझे उम्मीद है ऐसी, ठीक है। लेट्स सी कितने बच्चे जो हैं सही जवाब देते हैं, आइए देख लेते हैं यहाँ पे कितने बच्चों का जवाब जो सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वाद का पता लगाने के लिए जो है कौन सा कहना चाहिए आपका रिसीवर जो है सही माना जाता है, ठीक है, स्वाद का पता लगाने के लिए। कमेंट सेक्शन में सब कुछ विजिबल है क्या, एक बार बता देंगे मुझे? आप लोगों को ऑडियो वीडियो में कोई इशू तो नहीं है ना बच्चा? प्लीज जल्दी से बता देंगे, सब कुछ आपको सही है ना, कोई इशू तो नहीं है?
चलिए जल्दी से बताते हैं, लेट्स सी गाइस कितने बच्चों का जवाब सही है। यस, और यहाँ पे मैम देख पा रही हैं जितना सब कुछ सही है। कमेंट सेक्शन मेरे लिए थोड़ा सा बीच में वो हो गया था, बट अभी आई थिंक सब कुछ सही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कितने बच्चों का जवाब आ चुका है। ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट किया, गिरिजा ने सी दिया है, अच्छा। लक्ष्मण ने ए दे दिया है, अच्छा। और कुछ ने डी भी दिया है, कुछ ने ऑल्फैक्ट्री दिया है, आपके किसने दिया है, आपकी श्रद्धा ने, ठीक है। ऑल ओके, चलिए। बहुत से बच्चों ने स्किप किया है। इट इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आपको स्वाद का पता लगाना है, ठीक है, स्वाद का पता लगाना है। और यदि आपको स्वाद का पता लगाना है कि स्वाद के द्वारा, जैसे है ना, हर एक चीज का रिसेप्टर है, तो देखो यहाँ पे सेंसिटिव और केमिकल रिसेप्टर तो हो नहीं सकता। पहली बात, जो बच्चे ऑप्शन ए में जा रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज कम है, ठीक है। जो बच्चे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दे रहे हैं, उनको थोड़ा सा कह सकती हूँ कि दे हैव अ लिटिल बिट नॉलेज, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसीवर जो होते हैं वो सूंघने का बताते हैं। आप किसी भी चीज को यदि सूंघ रहे हो, है ना, किसी भी चीज को यदि सूंघ रहे हो, तो वो किसकी वजह से सूंघ पा रहे हो, दैट इज ऑल्फैक्टरी रिसीप्टर की वजह से। चाहे मैं रिसिप्टर बोलूं या रिसीवर बोलूं, एक ही बात है, ठीक है। तो जो ऑल्फैक्टरी रिसिप्टर होता है वो आपके सूंघने के लिए इंपॉर्टेंट है। गस्टेटरी रिसिप्टर जो है वो है आपके टेस्ट के लिए, किसके लिए है, टेस्ट के लिए, जो कि आपके इस वाले पोर्शन में होता है। कहां पर ना, जीभ वाले पोर्शन में। देखो स्वाद का पता इंसान को कहाँ से लगता है ना, सूंघ करते तो नहीं बताओगे कि यार ये कितना मीठा और कितना ज्यादा नमकीन है या कितना खट्टा है। बता सकते हो कि खट्टा है, ये मीठा है ना, लेकिन हम जो स्वाद का पता लगा सकते हैं वो हम लगा सकते हैं बच्चों सूंघ करके नहीं, बल्कि कि टेस्ट करके, है ना। इसीलिए क्वेश्चन में कहा स्वाद का पता लगाने के लिए, क्या कहा है क्वेश्चन में, जल्दी बताएंगे सभी लोग, स्वाद का पता लगाने के लिए, ठीक है। सब सीखो, ऑलवेज वेल कह रहे हैं कि मेरा नेटवर्क इशू, अभी आई थिंक सब कुछ सही हो चुका है बच्चा, थोड़ा सा समय लग जाता है, मेरे साथ है बेटा, मेरी लाइफ में थोड़ी सी चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं, बट मिल जाती है, ईश्वर की कृपा है तो मिल जाती है, ठीक है। ईश्वर की कृपा और तुम लोगों का प्यार है तो मिल जाती है। क्वेश्चन कह रहे हैं मैम स्वाद का पता हम किस रिसिप्टर के थ्रू लगाते हैं, तो स्वाद का पता हम लगाते हैं गस्टेटरी रिसिप्टर के थ्रू लगाते हैं, ठीक है। यानी कि मैम जो भी आपको स्वाद का पता लगाना है, और याद करो मैंने लास्ट क्लास में आपको पूरा टेस्ट भी बताया था कि आप जीभ के द्वारा कौन से पोर्शन से कौन सा टेस्ट पता कर पाते हो, मीठा आपने खाया है, नमकीन आपने खाया है, खट्टा आपने खाया है ना, या आपने कड़वा खाया है, तो आप किस हिस्से से बता पाएंगे, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। यदि यहाँ पर क्वेश्चन होता स्वाद का पता लगाने की जगह, क्या क्वेश्चन होता आपका सूंघने का, है ना, कि सूंघने वाला रिसिप्टर कौन सा है, तो आपका जवाब होता ऑल्फैक्टरी। बट यदि स्वाद की बात चलेगी तो हम कहेंगे गस्टेटरी रिसिप्टर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, काफी बड़ा कमेंट किया श्रद्धा ने, मैं टाइम लेके पढ़ती हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, तो मैम यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि जो स्वाद का पता लगाने के लिए है उसके लिए हमारा गस्टेटरी रिसेप्टर होता है ना, जो कि बेसिकली स्वाद का पता लगाता है। बच्चों यहाँ पे मैंने एक एडिशनल चीज भी बता दी है, अगली बार क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, कि ना किसी भी चीज को सूंघने के लिए, है ना, स्मेल के लिए विच रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल, तो यू विल आंसर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर और रिसीवर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थैलेसीमिया जो है एक वंशानुगत रोग है जो किस चीज को प्रभावित करता है, सभी बच्चे जवाब देंगे और फास्ट जवाब देंगे, ठीक है। यहाँ पर थैलेसीमिया जो है आपका वो किस चीज को प्रभावित करता है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे कि मैम ये जो रोग है ये किस चीज से रिलेटेड है, ब्लड, स्प्लीन, लंग्स एंड हार्ट। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कि भैया कितने बच्चे हैं जो सही जवाब देते हैं। लेट्स सी गाइस, काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं बट लाइक अभी सभी ने नहीं किया है, ठीक है, ठीक है, उसके लिए मैम कहेंगी भी नहीं, और आप सभी को अपने हिसाब से ही लाइक करना है और लाइक के साथ साथ सेशन को शेयर भी करना है। चलिए तो लेट्स सी गाइस कितने बच्चों का जवाब सही है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो लग रहा है प्रखर आ गया, वेरी गुड इवनिंग प्रखर, कैसे हो डियर। ए ए ए ए, अच्छा गिरिजा ने सी दिया है, सी फेफड़ा कहाँ से आ गया बेटा, हाँ 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 फेफड़ा कहाँ से आ गया। साहिल का भी जवाब सही है, वेरी वेरी गुड इवनिंग राकेश, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं बता दू, अच्छा
अच्छा मैंने अभी श्रद्धा का कमेंट पढ़ा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी बात है, अच्छी बात लिखी उसने। हाँ, कोविड टाइम पे सभी बच्चों का ना टेस्ट गायब हो रहा था, है ना, टेस्ट गायब हो रहा था ना, क्या पता ही नहीं चल रहा था कोविड में। सबसे पहला ना, मतलब बीच में तो समझ आना बंद हो गया था, नॉर्मली सर्दी जुकाम हो रहा था ना, तो सभी को ऐसा लग रहा था कि अरे सर्दी जुकाम ही तो हुआ है, ठीक है, मतलब क्या ही है। लेकिन ना, मतलब जब एक्चुअल में टेस्ट गया ना, तो लोग घबराना स्टार्ट किए। एक्चुअल में जैसे ही टेस्ट गया ना, तो फिर लोगों को समझ आया कि अच्छा भैया कोविड हुआ है ना। तो वहां पे जब मैम टेस्ट गायब हो रहा था, यानी कि हमारा जो गस्टेटरी रिसिप्टर है वो काम नहीं कर रहा था, सूंघ भी नहीं पा रहे थे आप किसी चीज को, यानी ऑल्फैक्टरी रिसिप्टर काम नहीं कर रहा था, ठीक है। चलिए, थैलेसीमिया जो है एक बीमारी होती है, जितने बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया है, मैं बता दूं, है ना, जितने बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया है उनका जवाब सही है। ये ब्लड से रिलेटेड डिसीज होती है बच्चों। थैलेसीमिया में होता क्या है, ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे, थैलेसीमिया में होता है एक्चुअली कि ना आपका जो ब्लड है, देखो आप सभी को पता है ना, ध्यान से सुनना, जिन बच्चों को एक कंसेप्ट नहीं पता वो ध्यान से सुनेंगे कि ना जो मैम ब्लड होता है हमारा, वो ब्लड का एक्चुअल में ना, सबको पता है कि भाई हम रेस्पिरेशन करते, ध्यान से सुनिएगा पूरा, आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। जब बच्चों आप रेस्पिरेशन करते हो, श्वसन करते हो, तो श्वसन के दौरान आपके एल्वियोली तक पहुंचती है हवा, वहां से ऑक्सीजन फॉर्म लेते हैं, और ये ऑक्सीजन ब्लड में जाती है, ब्लड से कोशिकाओं में जाती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, आपको एनर्जी मिलती है। बेसिकली ऑल ओवर द हमारा जो शरीर में हम ब्लड फ्लो हो रहा है, ये क्यों फ्लो हो रहा है, ताकि हर जगह ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सके और जो सेल है यानी कोशिका है वो अपना काम कर सके, ठीक है। एग्जॉस्ट, ठीक है, तो मैम इस चीज को हमने देखा यहाँ पर। अब मैम ये चीज हमें समझ आ गई कि मैम जो पूरी जगह ब्लड फ्लो हो रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है, यानी कि मैम हम एक बात समझ चुके हैं कि मैम ऑक्सीजन का जो फ्लो है, यानी कि सिर्फ इसी वजह से जो है पूरी बॉडी में हमारा इंपॉर्टेंट है ब्लड का फ्लो होना, ठीक है। अब मैम एक बात तो मैं ये आप क्लियर कर दी। अब बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि थैलेसीमिया ये कैसे रिलेटेड है ब्लड से, जब पूरा ब्लड जो फ्लो हो रहा है वहां पर है ऑक्सीजन, ध्यान से सुनेंगे ना सभी बच्चे मेरी बात को, ठीक है। हाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं, ठीक है मैम, ये जो हमारी बॉडी में पूरा का पूरा ऑक्सीजन, मतलब कि ब्लड फ्लो हो रहा है और ऑक्सीजन का जो प्रवाह चल रहा है, तो यहाँ पे एक बात क्लियर है, बार बार इसकी ना अपन को वो बढ़ानी पड़ जाती है, ठीक है, बिल्कुल। तो मैम ऑक्सीजन की यदि कमी हो जाए, ध्यान से सुनना ना, पूरा ब्लड जो है वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, यानी कि शरीर में जो पूरा रक्त का प्रवाह हो रहा है वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और जब ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो मैम ऑक्सीजन की कमी होने से क्या हो गया मैम, इसे ही हम कहते हैं थैलेसीमिया एग्जॉस्ट, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं थैलेसीमिया। क्लियर हुआ सभी को? एग्जैक्टली बहुत सारे कोविड की तो अगर बात ही क्या करें, उस समय जो है बहुत ही कम कहना चाहिए रिसर्च थे बहुत सारी, मतलब उस समय लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई टेस्ट जा रहा है तो जा क्यों रहा है। आपको पता है कई कई लोगों का टेस्ट और जो स्मेल है ना, वो टेस्ट तो फिर भी थोड़ा जल्दी आ गया, लेकिन स्मेल तो लोगों की ना 6-8 महीने तक भी वापस नहीं आई, ठीक है, तो इतना खतरनाक वायरस था जो आपके रिसेप्टर को भी इफेक्ट कर रहा था। क्लियर है? चलिए, आई थिंक अब आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि मैम ब्लड जिसमें ऑक्सीजन लेवल यदि ब्लड में कम हो जाता है तो हम उसे कहते हैं थैलेसीमिया। क्लियर है? चलिए, ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये ना इनहेरिटेड होता है, जैसा कि किसी बच्चे ने लिखा था यहाँ पे जेनेटिक, किस बच्चे ने लिखा था, वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय श्री राम श्रद्धा, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली श्रद्धा, जितने भी लोगों को कोविड हुआ है कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जो है देखने को मिला है, कुछ लोगों की आंखें कमजोर हो गई, कुछ लोगों की दवाइयां इतनी गर्म खाए तो पेट में काफी इशू हो गए, तो उसके साइड इफेक्ट बहुत रहे हैं, बट फिंगर क्रॉस हो सकता है अच्छा हो जाएगा, सबको ही हुआ लगभग, ऐसा को बहुत रेयर लोग हैं जिनको नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ जुफो, तुम्हारा जो जवाब है बिल्कुल सही है कि ना मैम ये जो है कहाँ से आता है, ये बेसिकली आ जाता है, देखो एकदम हम सामान्य भाषा में समझे तो हमने कहा कि मैम लेस हेमोग्लोबिन होना, ठीक है, जब ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाएगा आपके कहना चाहिए ब्लड में, तो नो डाउट हम कहेंगे मैम कि क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन लेवल जो है घट रहा है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर, ट्रांसफॉर्मर किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है। सभी बच्चे यहाँ पर जवाब देंगे मुझे, ठीक है, सभी बच्चे जवाब देंगे और मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का जो है गलत जवाब आना चाहिए। देयर आर द फोर ऑप्शंस, ठीक है। चलो भाई यहीं पे सारी बातें डिस्कस करना है ना, कहाँ से हो, क्या करते हो, हमें भी बता दो, ठीक है। चलो भैया जितने भी बच्चे, मुझे नहीं लगता इसमें नए बच्चे हो, मैं बता दूं कि सेकंड, थर्ड और फिफ्थ जुलाई का मैंने भेज दिया है ना, सेकंड को नहीं, 3, 4 और 5 जुलाई, 3 जुलाई, 3 दिन की जो क्लासेस थी उनका जो क्वेश्चन का पीडीएफ है वो मैंने आप सभी को सेंड कर दिया है। सबसे पहला जवाब प्रखर का आया है, देन जय श्री राम का आया है, राकेश का भी आ गया, जुफू का भी आ गया, बाकी बच्चों का क्या है भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है, फास्ट बताएंगे सभी लोग। तो मैं बता दूं कि 3 दिन का पीडीएफ मिल गया, आज की क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, अब से डेली क्लासेस का पीडीएफ आपको मिला करेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो जो भी बच्चे नए हैं वो ज्वाइन करेंगे, और मैंने पहले ही कहा बच्चों की, अभी कल बताया था, फिर से आज बता रही हूँ कि बार्क में आई है वैकेंसी, टोटल 89 पोस्ट, और किसके लिए मैम आई है, वर्क असिस्टेंट के लिए, किसके लिए आई है, वर्क असिस्टेंट के लिए, जिसमें साइंस जो है, बिल्कुल प्रवीण जी है ना, जो मैम साइंस है 20 नंबर की है लेवल 1 में, और लेवल 2 में जो है वो कितने की है, वो है सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर, सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर नहीं, बहुत होते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म आप देखिएगा और उसके लिए साइंस प्रिपेयर करते रहिए। जितने बच्चे ऑप्शन ए वाले हैं, बाकी बच्चों ने जवाब ही नहीं दिया है, ठीक है, उनको आइडिया नहीं है, मैं बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मर में ना पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का इक्वेशन, ये सारी चीजें लेकर के आने वाली हूँ, तो टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, मैम आपको पढ़ा देंगी, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मर जो होता है मैम, बेसिकली क्या करता है, ये एसी वोल्टेज को इंक्रीज करता है। देखो बेटा, डीसी आ गया, मतलब डीसी से कहीं तक लेना देना नहीं है, डीसी से ट्रांसफॉर्मर का कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अगला कह रहा है टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू थर्मल एनर्जी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला कह रहा है एसी को जो है डीसी में परिवर्तित करता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो बच्चों मैं बताऊं कि जैसे ही डीसी वर्ड आ गया, विच इज वहां पे आपको समझ जाना है ट्रांसफॉर्मर का कोई भी काम नहीं है। मैम ऐसा क्यों कह रही है, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा मैं जस्ट आपको समझाती हूँ, ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये जवाब है मेरा, कि मैम जो ट्रांसफॉर्मर है, जिसे हिंदी में हम परिणामित्र कहते हैं, इसका काम क्या होता है, ठीक है। आपने कभी सब स्टेशन गए होंगे, है ना, हो सकता है कभी आप सब स्टेशन देखे हो दूर से, वहां पे आपने ट्रांसफॉर्मर देखा होगा, आपने अपने घर के पास में ट्रांसफॉर्मर देखा होगा, देखा होगा ना यार वहां पे ट्रांसफॉर्मर लगा। अभी बरसात का टाइम चल रहा है तो कई बार आप सुनते होंगे, अरे भाई ट्रांसफॉर्मर में क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट हो गया यार, ऐसा हो गया। तो ट्रांसफॉर्मर का नाम सुने होंगे, कहीं ना कहीं देखे भी होंगे, तो कहाँ देखे हो, क्या कोई अपने घर में ट्रांसफॉर्मर देखा है। देखो यार बहुत ही बड़ा अमीर इंसान रहते हैं वो लोग, कुछ भले ही लगवा लें, ठीक है, बाकी नीड नहीं पड़ती है, जिसका काफी बड़ा घर है ना, अब ठीक है। तो हमने कहा ट्रांसफॉर्मर का जो वर्क होता है वो होता है एसी वोल्टेजेस को इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों काम करना है, यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज का ऑप्शन है, तो यू विल आंसर इंक्रीज, बट इसका जो जवाब है वो दोनों ही होगा। कैसे मैम, जो आपका ट्रांसफॉर्मर है वो दोनों काम करता है, एसी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है, कैसे करता है मैम। सभी बच्चे सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और बेटा कभी अभी तक किसी ने भी अपना स्टेटस में शेयर नहीं किया है, ठीक है बेटा, देख लिया जाएगा, शेयर वेयर तो कर दिया करो यार, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है, जैसे कल काफी सारे बच्चे जुड़े थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो मैम जो ट्रांसफॉर्मर है उसका काम एसी वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। देखो बच्चों थोड़ा ध्यान से समझोगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि कहीं पर पावर जनरेट हो रही है, ठीक है मैम, कहां पर पावर जनरेट हुई, सपोज करते हैं कि यहां पर जो है पावर जनरेशन हुआ, ठीक है, यस मैम यहाँ पर पावर जनरेशन हुआ। ये माउस वाला सिस्टम कल मैं रिजॉल्व कर लूंगी, आज जो हमारी टेक्निकल टीम बोली है मैम, आज हम इसको देख के कल आपका रिजॉल्व कर देंगे, तो कल से और सुंदर आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो मैम ये जो जैसे हम कहते हैं यहाँ पे सपोज करो ये यहाँ पे बिजली बनी, ठीक है मैम, बिजली बनने के बाद कहाँ जाएगी मैम, इसे हमें ट्रांसमिट करना होगा। सपोज करो आपके छत्तीसगढ़ की कोरबा में जो है बिजली बन रही है, ठीक है, काफी ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। भाई शिवराज सिंह चौहान ने कहा यार बघेल साहब मुझे थोड़ा सा यार बिजली की थोड़ी ज्यादा आवश्यकता है, गर्मियों में यहाँ बहुत ज्यादा एमपी में नीड है, भेजिए थोड़ा सा। तो छत्तीसगढ़ से यदि बिजली को भेजना होगा, कहाँ भेजना होगा, एमपी में भेजना होगा, तो काफी लंबी डिस्टेंस होती है।
जब भी हम बिजली को ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, बिजली को भेजते हैं, तो वहां पर हमें किस में भेजना होता है पता है? हाई वोल्टेज में भेजना होता है। क्यों भेजना होता है? क्योंकि मैम जो पावर लॉस होता है ना, वो बेसिकली कहना चाहिए, मतलब पावर लॉस मतलब, थोड़ा सा टेक्निकल जा रही हूँ तो हो सकता है नॉन टेक बच्चों को समझ ना आए, ठीक है ठीक है, नॉन टेक बच्चों को समझ में ना आए, ठीक है। मैं ट्रांसफॉर्मर की बात कर रही हूँ। तो मैम होता क्या है कि जब ना आप हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन करते हो तो पावर लॉस थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो मैम जो पावर लॉस कम है, दैट्स व्हाई हमने, जैसे सपोज करो कि 33 kV जनरेशन हो रहा है, तो आपने उसको जो है भेजा, जो आप देखते हो कि मोटे मोटे टावर्स के थ्रू मोटी मोटी लाइन जाती है, वो 132 kV का ट्रांसमिशन हो रहा है। 132 kV का यदि ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इतना हाई वोल्टेज जब मध्य प्रदेश में पहुंचेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने पूरे भोपाल में वही सप्लाई कर देनी है, ऐसा नहीं होगा। अब वो जो जाएगा वो सब स्टेशन में जाएगा, सब स्टेशन में होंगे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर, इस हाई वोल्टेज को कम करेंगे 132 kV को, फिर उन्होंने 33 kV किया। उसके बाद फिर आप देखोगे कि जैसे हर एक जगह पर कई कई स्थान पर ट्रांसफार्मर है, यानी कि सपोज करो जैसे बात करूं छत्तीसगढ़ में ही किसी एरिया की, भिलाई की बात करूं, तो भिलाई में यदि नेहरू नगर है, तो मैम भिलाई में जैसे काफी जगह ट्रांसफार्मर है, अब नेहरू नगर में भी कई जगह ट्रांसफार्मर कुछ कुछ ब्लॉक्स के हैं, तो वहां तक आके जो है बिजली को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वोल्टेज को कम किया जाता है। वोल्टेज को कम करना है तो भी ट्रांसफार्मर चाहिए, वोल्टेज को बढ़ाना है तो भी ट्रांसफार्मर चाहिए। अब ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है, इसके लिए इसका जो फंक्शन है बेसिकली, आपका ये डीसी पे कभी वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन आप यदि समझ पा रहे होंगे तो, है ना, म्यूचुअल इंडक्शन पे ये वर्क करता है। और जब इंडक्शन की बात आ गई, है ना, प्रेरकत्व की बात आ गई म्यूचुअल इंडक्शन की, तो डीसी में पॉसिबल नहीं है कि आप डीसी सप्लाई दो तो म्यूचुअल इंडक्शन पॉसिबल होगा। तो ये पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट है, आई थिंक आप सभी को समझ आया होगा कि मैम जो हमारे ट्रांसफॉर्मर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है वो डीसी सप्लाई में नहीं सकता। वैसे भी डीसी सप्लाई में इंडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई हमेशा ट्रांसफार्मर की बात होगी तो आप एसी सप्लाई ही चेक करोगे, एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एसी वोल्टेज है उसको बढ़ा रहा है या कि घटा रहा है, ठीक है, वो हमारी आवश्यकता के अनुसार। मुझे यदि घरों में सप्लाई करना है तो घरों के पास वाले ट्रांसफार्मर में जो होगा वो सप्लाई कम कर रहा होगा, यानी वोल्टेज को कम कर रहा होगा, क्लियर है। चलिए, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। अब यदि वोल्टेज को बढ़ाना है यानी कि अप करना है, तो हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यदि वोल्टेज को घटाना है तो हम कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर की पूरी बातें जो मेरे प्यारे नॉन टेक वाले बच्चे हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता है, उनको मैं ट्रांसफार्मर का एक लेक्चर बहुत जल्दी लाऊंगी और वहां पे आपको सारी कुछ चीजें और अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। चलिए, यहाँ जितने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले हैं उनकी पूरी की पूरी फीलिंग बाहर आ रही है, ठीक है। तो जो नॉन टेक के बच्चे हैं उनको समझ ना आए तो परेशान मत होना, ठीक है, ठीक है बच्चा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। Which one of the following metal is commonly used to make filament of bulb? लेकिन यहाँ पे नाम नहीं दिया है, यहाँ पे सिंबल दिया है, और सिंबल कितने बच्चे सही लगाते हैं, लेट्स सी, ठीक है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही कहा कि सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जो है फीलिंग्स बाहर आ रही हैं, है ना बेटा। मेरे को बायो का क्वेश्चन आएगा, है ना, फिर देखेंगे किसकी फीलिंग बाहर आ रही है कितनी, ठीक है। चलो, चलिए, बहुत बढ़िया, एकदम सही, ठीक है। अच्छा, चलो, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी जवाब दे दिया है उनको ये तो आइडिया है कि मैम हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। दिव्या ने नाम लिख दिया, श्रद्धा ने भी नाम लिख दिया है। मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए कि हम टंगस्टन को W से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, हम टंगस्टन को W से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं पोटेशियम को कैपिटल K से रिप्रेजेंट करती हूँ, वैसे ही मेरा क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि क्यों करते हैं, बिकॉज लैटिन नाम है केलियम, के हो गया, ठीक है। कैल्शियम को CA से ही करते हैं, सोडियम को हम नेट्रियम होता है लैटिन नाम, इसलिए जो है हम मैम Na से करते हैं, वैसे ही हम क्यों करते हैं, जल्दी बताएंगे सभी लोग, ठीक है, सभी लोग बताएंगे। और मुझे सबका जवाब चाहिए कमेंट सेक्शन में कि हम क्यों करते हैं, ठीक है।
और शेयर वेयर तो कर नहीं रहे हो ना तुम लोग बेटा, शेयर वेयर कर नहीं रहे हो, है ना, शेयर भी करना है, क्या बात है, श्रद्धा ने तो लिखा है, ठीक है, मैं पीरियोडिक टेबल बना ली, अरे क्या बात है जुफू, बहुत बढ़िया बच्चा, वेरी नाइस वेरी नाइस, वेल डन, बहुत बढ़िया, प्रखर ने भी बता दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चा, दो लोगों ने जवाब दे दिया है, बाकी लोगों के लिए जो है मुझे बताना होगा, जो बच्चे हैं यहाँ पे नए हैं हमारे, नॉन प्योर नॉनटेक वाले बच्चे ना वो थोड़े से घबरा जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं बताऊं कि वो ज्यादा पैशनेट होकर पढ़ते इसीलिए उनके पेपर थोड़े जल्दी निकल जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, देखो बच्चों पहला तो प्रश्न कह रहा है हमारा कि फिलामेंट ऑफ बल्ब, जो बल्ब का फिलामेंट है उसमें हम क्या उपयोग करते हैं, तो उसमें हम टंगस्टन उपयोग करते हैं, लेकिन हम टंगस्टन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम W से करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो टंगस्टन है ना बच्चों उसे हम लिखते हैं वॉल्फ्रैम, ये क्या है मैम, जो पहले जो है जब टंगस्टन इन्वेंट हुआ था तो बहुत पहले हम इसे वॉल्फ्रैम के नाम से जानते थे, ठीक है, इसका जो अयस्क था जो ओर था वो था वॉल्फ्रैमाइट, ठीक है, इसीलिए W जो है इसका रिप्रेजेंटेशन बन गया, ठीक है, अब हम नहीं बोलते, अब हम टंगस्टन ही बोलते हैं, बट हमने सोचा उसका एग्जिस्टेंस खत्म ना हो, दैट्स वाई हमने W रखा। अब जो बच्चा जानकार उसको एटलीस्ट पता है कि अच्छा हम टंगस्टन को पहले वोल्फ्रैम बुलाते थे, ठीक है, दैट्स वाई W इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, टंगस्टन। अब बच्चों मुझे एक और प्रश्न यहाँ पे आ रहा है बहुत अच्छा, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, आपसे पूछना नहीं चाहूंगी, कि हम ना फिलामेंट जो बनाते हैं बल्ब का वो हम टंगस्टन से क्यों बनाते हैं, ये क्वेश्चन है, तो इसको आप समझिएगा, मैं बता रही हूँ, टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक, यानी कि मैं कहूं मेल्टिंग पॉइंट, जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब समझ रहे हो ना, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट समझ रहे हो, सबसे ज्यादा होता है, यानी कि मैम यहां पे टी आई है ना, दिस इज आई, ठीक है, तो मैम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है, इतना ज्यादा गलनांक है कि वो जल्दी से गल नहीं सकती, जैसे भी यहाँ पे बल्ब था, अभी है नहीं, मैं तो दिखाती कि जो बल्ब है ना बच्चों, ठीक है ना, उसका जो बल्ब है ना, जब आप उसका फिलामेंट देखोगे तो वहां पे जब बल्ब जलता है तो बहुत अधिक मात्रा में हीट होती है, ठीक है मैम, हीट बन रही है। यदि सपोज करो आपने कॉपर का बना दिया, तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है एज कंपेरिजन टू टंगस्टन, ठीक है, यदि आप किसी और का भी बनाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा है उससे बनाया जाएगा, ताकि यार हीट प्रोड्यूस हो तो वो सह ले उसको, ठीक है, सह ले, और जो है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का है, दैट्स व्हाई वी यूज टंगस्टन इन फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। क्या सबको क्लियर हुआ? बिल्कुल श्रद्धा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है, बट हाई जो लखन जी हैं, बट बेटा जो हाई कहना चाहिए, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाला हमें पॉइंट चाहिए, उसके लिए जो है आपको सिर्फ और सिर्फ टंगस्टन ही फुलफिल कर सकता है आपकी रिक्वायरमेंट को। क्लियर है क्या सभी को? चलिए, यदि ठीक है, यहाँ पे जितने भी इंजीनियर हैं उनका उनकी फीलिंग बाहर आ रही है, बेचारे मेरे नॉनटेक वाले बच्चों, तुम लोग को समझ आ रहा है कि नहीं, बताते चलना मुझे, ठीक है, सभी लोग जितने भी हैं, जुहू, सतीश, वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, सभी सभी, दिव्या, ठीक है, संगीता, सभी बच्चे जो हैं बताते चलेंगे, ठीक है, बिजली के बल्ब के अंदर क्या भरा होता है, ठीक है, व्हाट इज फिल्ड इन एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, जितना एक्सप्लेनेशन श्रद्धा ने दिया था उससे क्लियर हो जाता है कि बीटेक ही होगा, है ना, ठीक है, मैं ऐसा वो नहीं कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं डिप्लोमा से ज्यादा डिटेल्ड है अपने बीटेक में, तो ऑप्शन सी एकदम दे चुका है, मुझे सबका जवाब चाहिए ना, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है बेटा कि तुम लोग बैठ करके देखो ना, ये गलत बात है, मतलब सबका जवाब चाहिए ना, जितने बच्चे हैं सब लोग जवाब देंगे तब तो मुझे लगेगा, समझ आ रहा है जुफू, बहुत बढ़िया बच्चा, ठीक है, और लाइक वाइक तो कर ही नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक है, मैं बोलूंगी भी नहीं बार बार, ठीक है, बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता, तो सभी लोग लाइक वाइक, जिनकी इच्छा है वो जरूर करेंगे, जिनकी इच्छा नहीं है वो नहीं करेंगे, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी की लाइन लग चुकी है, विच इज एब्सोल्युटली गुड, बिल्कुल सही जवाब है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ठीक है मैम, आपने हमें बता तो दिया हम आर्गन भरते हैं, बट आर्गन ही क्यों भरते हैं? देखो बच्चों क्या है ना, बल्ब के अंदर ना हमें, अब हम ऑक्सीजन तो भर नहीं सकते, वरना आग लग जाएगी या पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा, हम वहां पे भरते हैं मैम
नोबल गैसेस बेसिकली, मतलब कि ना वहां पर जो न्यूट्रल गैसेस, जो कि क्या हो मैम, जल्दी से रिएक्टिव ना करे, है ना, जल्दी से अभिक्रिया ना करे किसी भी चीज से, इसलिए हम जो है वहां पर आर्गन यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसके बाद बेटा बायो का नंबर आने वाला है बेटा, इसके बाद दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया रविंदर दीक्षा सभी का, ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। और यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, द डिवाइस इज यूज टू, पहला जवाब दिख रहा है प्रखर का, ठीक है, बाकी लोगों का क्या जवाब है, श्रद्धा का, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है, प्रभाकर कुमार भी है कोई, उन्होंने भी बी दिया है, दिव्या ने भी दे दिया, सतीश आर्या ने भी दे दिया, ठीक है भाई, आप लोगों ने, इतने लोगों ने जवाब दिया तो मैंने मान लिया कि बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है बेटा, सही जा रहे हो तुम लोग, ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 लक्ष्मण जी, इसीलिए हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऐसी डिवाइस जो है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है, दैट इज कैपेसिटर, ठीक है। एक बात और बता दूं कि जो आप उपयोग करते हो फैन में, जो कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर कंडेंसर बोलते हैं ना, अभी गर्मी चल रही है, वेरी वेरी गुड इवनिंग रविंद्र कल्पना गायत्री बेटा, अभी जो गर्मी चल रही है तो फैन वैन धीमा हो गया होगा तो बोलोगे यार कंडेंसर बदलवा देते, तो कंडेंसर में भी क्या होता है बेसिकली आम भाषा में हम समझे तो कैपेसिटर ही होता है, ठीक है। चलिए अब वो किस तरीके से मोटर की स्पीड को इंक्रीज करता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को, वो जो है थोड़ा इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, वो आपके पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट व्हिच रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल चेंजेस ड्यूरिंग द हार्ट बीट। हार्ट बीट के दौरान किस चीज में द्वारा जो है नोटिस किया जाता है, ठीक है, नहीं नहीं जुफो, उस गैस की वजह से आवाज नहीं आती है जब बल्ब टूटता है, ठीक है, तो वो सीधा जो गैस, अब जो बल्ब के अंदर भाई वैक्यूम क्रिएट किया गया है, ठीक है, जैसे बल्ब टूटता है तो एयर एंटर करती है वहां पर, ठीक है, दैट्स व्हाई जो है वहां पे नॉइस आती है, क्लियर हुआ, वहां पे वो आवाज आती है। यहाँ पे तीन ही जवाब है ना, ए बी डी, तो कितने लोगों का जवाब आ रहा है, डी किसने दिया है, प्रभाकर ने डी दिया है, अच्छा बेटा ठीक है, समझ गया बेटा तुम, ये ना प्रभाकर हो गए और जुफू हो गए, हाँ बेटा तुम दोनों का ना दिल, तुम दोनों का दिल विल का जांच वाँच ना स्टेथोस्कोप से ही करवाएंगे, है ना, रुको बेटा रुको रुको, बहुत सही, बहुत हार्ड है ना, बहुत ही हार्ड एकदम तुम लोग जा रहे हो, बिल्कुल एकदम मजेदार तरीके से, है ना, स्टेथोस्कोप से मैम ने दिल की जांच करवा दी है, ठीक है बच्चों ने भाई, मैम ने नहीं बच्चों ने करवा दी है भाई, मतलब मैं क्या ही करूं, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे क्या कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, अच्छा चलो अब जितने बच्चे ना बेटा, ठीक है, जितने बच्चे ना, अच्छा कोई ए वाले तो नहीं हो, कोई ए वाले तो नहीं हो ना, जल्दी से बताएंगे मुझे, कोई ए वाले तो नहीं हो ना, यदि ए वाले हो गए तो फिर, ए वाले हो गए तो उनका क्या किया जाएगा, ठीक है, चलो तीनों ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, तीनों ऑप्शन आप लोग समझेंगे, ठीक है, देखो बच्चा जितने बच्चे ना, पहले ऑप्शन डी वाले हो, नीचे से शुरू करती हूँ, बच्चा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ऐसे फंसाता है और ऐसे करके ना, है ना, ऐसे करके रहता है और आपके हार्ट में लगा देता है, यहाँ पे ऐसे लगाता है, ठीक है, और ना ऐसे करके यहाँ पे उसका जो ये ऐसा रहता है प्लग, ये दोनों ऐसे कान में लगाता है और नीचे वाला जो है आपके हार्ट में लगाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ना वो इलेक्ट्रिकल चेंजेस देख रहा है, देखो आपने हार्ट बीट बस सुनी, ठीक है, आपने ये नहीं देखा कि इलेक्ट्रिकल चेंजेस को रिकॉर्ड करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, इट इज नॉट अ स्टेथोस्कोप गाइज, ये स्टेथोस्कोप कैसे हो सकता है, देखो आपको बुखार हुआ, ठीक है, सपोज करो किसी को बुखार हुआ, ठीक है, अभी तो मैं इतना ज्यादा मान लेते हैं, अब मैं डॉक्टर के पास गई हूँ तो ये जो ऐसे जैसे कान में फंसाएगा और इसको आपके हार्ट में लगाएगा, तो बेटा वो आपकी हार्ट बीट नहीं चेक कर रहा है, ठीक है, वो क्या चेक कर रहा है, मतलब वो आपकी हार्ट बीट चेक कर रहा है लेकिन इलेक्ट्रिकल चेंजेस नहीं चेक कर पा रहे, इलेक्ट्रिकल चेंजेस चेक करने के लिए उसे चाहिए सीआरओ स्क्रीन, है ना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो होता है वो स्क्रीन चाहिए, उस स्क्रीन में जा करके आपके इलेक्ट्रिकल चेंजेस दिखते हैं, और टीवी में तो बड़ा देखियो कि अरे ऐसा ऐसा चल रहा है, मतलब अभी जिंदा है आदमी, सीधा हो गया, मतलब निपट गए, जय श्री राम हो गए, सुने हो कि नहीं सुने हो बताओ जरा,
जिसको भी बायोलॉजी नहीं आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती, कोई समस्या नहीं है। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग जो है मेरे साथ डेली जुड़ो। मेरा एक ही उद्देश्य है बच्चों कि आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और एक ही इच्छा और रहती है, बस एक ही फेवर चाहिए रहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों से, कि आप लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है। मेरी मम्मा बता दूं, मेरी मम्मा आज तक रिकॉर्ड ऐसा कोई सेशन नहीं होगा जो उन्होंने मिस किया होगा, सारे सेशन वो देखती है। तो प्यार हो तो ऐसा है ना। चलिए तो बच्चों, हम थे स्टेथोस्कोप में। स्टेथोस्कोप धड़कन चेक करेगा, लेकिन उसका ना यू 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 वाला सिग्नल नहीं दिखाएगा। कैसे वाला मैम? अरे जब अपन जाते हैं, अभी तो कोरोना में बहुत देखे हो, टीवी सिग्नल सीरियल, अरे टीवी सीरियल की बात हो जाए मैम, तो ऐसा 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 नहीं देखे हो। क्या हुआ इसको? कुछ तो हुआ, ठीक है। हाँ मैम, ऐसा 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 चलता रहता है, ऐसा ऐसा दिखता रहता है। और जैसे ही हमने देखा मैम ऐसा हो गया, तो डॉक्टर बोलता है डेड भाई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि उसकी जो धड़कन है बेटा कांस्टेंट हो गई, बंद हो गई, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो मैम जो स्टेथोस्कोप है ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट बीट को बताता है, बट हमारा जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है जब आना, वो आपके इलेक्ट्रिकल चेंजेस ऑफ हार्ट बीट को बताता है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस ऑफ हार्ट बीट को बताता है। तो मैम ये स्फैग्नोमैनोमीटर क्या करता है? अब आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है ना, ठीक है, सिग्नल वो मशीन में दिखाता है। गायत्री वो जो मशीन होती है ना, वो आपकी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सीआरओ होती है। अनुपमा देखिए, मम्मी लोगों को हार्ट बीट बढ़ जाता है। हाँ यार, मैंने भी बड़े मीम्स देखे हैं अनुपमा के ऊपर कि मम्मी लोग को ज्यादा ही पसंद कर रही हैं। तो जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो अभी तो हालांकि आपकी एज कम है, बट ना यहाँ पे देखे हो कि दादाजी लोगों को एक, हालांकि आजकल डिजिटल वाला भी आ गया है, लेकिन यहाँ पे ऐसे एक पट्टा जैसा फंसाते हैं और ऐसे 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 पंप करते जाते हैं, और उसमें ऐसा वो पारा ऊपर चढ़ता है, ठीक है। वो वाली जो मशीन होती है ना, उसके थ्रू बीपी चेक करते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन को हम कहते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर। क्लियर है क्या? सभी बच्चे बताएंगे कि अब तो क्लियर है, अभी भी किसी को कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, अभी भी किसी को पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ी, पेपर वाला बस पढ़ लेना बेटा, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सबको मजा आ गया ना, है ना, क्योंकि बच्चों ने ऑप्शन डी जवाब दे दिया, तो देख के मजा तो आएगा, क्लियर है। चलो हाँ, ऑप्शन ए बीपी चेक करता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑफ हार्ट बीट दिखाता है, ऑप्शन सी सिर्फ हार्ट बीट बताता है, ठीक है। चलिए बेटा, तो अभी किसी की हार्ट बीट वार्ट बीट तो नहीं बढ़ रही है, कहाँ से बढ़ेगी बोलो मैम, अभी पेपर पास में नहीं है, चल रिलैक्स चल रहे अपन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ हैवी वाटर? हैवी वाटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? मुझे लगता है ये क्वेश्चन अब कोई भी गलत ना करे तो ज्यादा अच्छा है, और मुझे फॉर्मूला भी बता देना, है ना बेटा, लगे हाथ फॉर्मूला भी मुझे चाहिए, कॉमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला भी चाहिए बाबू। कल्पना, रवि, दिव्या, श्रद्धा, रवींद्र, केवी, प्रखर, लक्ष्मण, ठीक है, सबके सब, सबके सब, बहुत बढ़िया, दिव्या, श्रद्धा, रवींद्र, एब्सोल्युटली, ठीक है, ए फॉर एप्पल, अच्छा, एब्सोल्युटली बच्चों, ऑप्शन ए इज मैम एब्सोल्युटली करेक्ट। जो ड्यूटेरियम है मैम, ये एज अ भारी जल उपयोग किया जाता है, जिसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो होता है आपका D2O, क्या होता है D2O, ठीक है। जैसे हम पानी कहते हैं H2O, अब थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान देना चाहती हूँ, ज्ञान सुन लेना बेटा, ठीक है, ये ज्ञान ही है जो आपको आगे भेड़ा पार लगाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ आपको काफी सारी चीजें नहीं मिलती हैं। देखो बच्चों, जो आपका हाइड्रोजन है उसके तीन समस्थानिक हैं, कौन कौन से हैं मैम? तीन समस्थानिक हैं, पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। तो मैम जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम है, दे ऑल थ्री आर दी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, या हम कहें कि ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अब बच्चों यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अभी लाइक वाइक नहीं की हो, बीच में देख लो, यदि लाइक ज्यादा है और लाइक कम है तो थोड़ा सा ना दिल, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे ना स्टेथोस्कोप की नीड पड़ेगी, चेक करवाना पड़ेगा, मतलब हार्ट बीट ना एकदम ऐसी हो जाती है, एकदम धुक 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 आ जाती है बिल्कुल, यार लाइक काहे नहीं किए हैं, पैसा कट रहा है क्या तुम लोगों का, है बताओ जरा, है 40 लोग ऑनलाइन लेकिन लाइक नहीं किए हो, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, ठीक है। रविशंकर तिवारी ने बिल्कुल लिख दिया है, ठीक है, तो एकदम सही है कि जो मैम हाइड्रोजन है
ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यदि वन, एटॉमिक नंबर वन तो हमेशा रहेगा, एटॉमिक मास वन तो प्रोटियम, एटॉमिक मास टू तो ड्यूटीरियम, एटॉमिक मास थ्री तो ट्राइटियम, ठीक है, एटॉमिक मास टू है तो ड्यूटीरियम, यही ड्यूटीरियम जो है एज अ हैवी वाटर यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम मंदक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, कहाँ पर करते हैं सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है मैम, ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटीरियम, ये है ट्राइटियम, रुको बेटा मैं ऐसे नहीं जाने देने वाली, अभी मैंने इतना पढ़ाया है ना, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे है मेरा कि प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम इन तीनों में स्टेबल आइसोटोप कौन सा है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है, मुझे जवाब दीजिएगा, यदि आप लोगों ने पढ़ा है समझा है तो आप जवाब दे देंगे, ये कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं और देखूंगी सबसे पहले जवाब कौन सा बच्चा देता है, प्रोटियम ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम में स्टेबल आइसोटोप हम किसे कहते हैं, स्टेबल आइसोटोप हम किसे कहते हैं, जुफू आ रही हूं मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ, बट पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे कि आप लोगों को आता है या नहीं आता है, ठीक है भाई जल्दी बताएंगे, ठीक है जल्दी बताएंगे, फास्ट बताएंगे, दिव्या पहले आप लाइक करो, अरे काहे पीछे पड़ गए हो लक्ष्मण, लाइक तो यार दिल से होता है यार, तुम लोग मतलब ठीक है मैम को प्यार ही नहीं करते हो तो फिर क्या मतलब है ना, प्यार कर रहे होते हैं मतलब मैम को थोड़ा सा पसंद आ रहा होता है मैम का लेक्चर तो अपने आप ही लाइक छक देते, बोलना पड़ता है क्या, जल्दी से किसी का जवाब नहीं आएगा बेटा है, ट्राइटियम दियो प्रभाकर बेटा, लक्ष्मण बेटा आता ना जाता जय भारत माता, मैम ऐसे क्यों बोल रही हैं, हमें बुरा लगता है तो बुरा लगेगा ही भाई, और अंकुर जी भी आ गए हमारे सेशन में, थैंक यू सो मच, ठीक है ठीक है सबके सब गए बेटा, दिव्या का जवाब आया है प्रोटियम विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है किसी का जवाब नहीं आया बेटा क्योंकि तुम लोगों का कंसेप्ट ही नहीं पता है, ठीक है मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, देखो बच्चों ध्यान से सुनना आप, ठीक है अब अभी थोड़ा ध्यान से सुनने की जरूरत है, ठीक है तीन क्वेश्चन, तीन चीज होती है, दो चीज होती है, पहला होता है स्टेबल आइसोटोप यानी कि स्थायी समस्थानिक, दूसरा होता है अनस्टेबल आइसोटोप और रेडियो एक्टिव आइसोटोप जिसे हम कहते हैं अस्थायी समस्थानिक या हम कहते हैं रेडियो धर्मी समस्थानिक, ऐसे समस्थानिक जिनमें प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का कॉम्बिनेशन सेम होता है, लाइक मैंने कहा जो आपका ड्यूटीरियम है बच्चों है ना, जो आपका ये ड्यूटीरियम है इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है यानी कि दे बोथ आर इक्वल, दैट्स व्हाई इट इज अ स्टेबल आइसोटोप, बट इन प्रोटियम एंड इन ट्राइटियम देयर आर अनइक्वल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, दैट्स व्हाई दे बोथ आर कंसीडर्ड एज व्हाट, दे बोथ आर कंसीडर्ड एज अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव आइसोटोप, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है इज इट क्लियर टू एवरीवन, भैया इसीलिए कहते हैं हलवा नहीं समझना है, अब ऐसे प्रश्न पूछेगा ना बेटा तो हवाइयां छूटेंगी, ठीक है मैम आपने हमें बताया ड्यूटीरियम इज स्टेबल आइसोटोप इसीलिए हम ड्यूटीरियम का उपयोग करते हैं, देखो जुफू ने कहा मैम मंदक क्या है, मंदक में होता क्या है, थैंक यू सो मच मनीष जी, होता क्या है ना बच्चों की जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर में फंक्शन स्टार्ट होता है तो काफी तेजों से न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग हो रही होती है, ऐसे 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 न्यूट्रॉन फिका रहे होते हैं, तो हमें ना उसको ना चारों तरफ से बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है कि हम उसमें कुछ ऐसा रखें जिससे हम जब उसमें हैवी वाटर डालते हैं तो वो उस न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग को कम करता है, धीमा करता है, रिड्यूस करता है, मंद करता है, इसीलिए हम उसे मंदक कहते हैं, इसीलिए हम उसे न्यूट्रॉन मॉडरेटर कहते हैं, दैट्स व्हाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैवी water is used as neutron moderator in nuclear reactor, क्या कहा, ठीक है SSC JE में लक्ष्मण आपने यदि मेरा कोर्स परचेस किया होगा तो जैसे प्रभाकर जो हमारे कौन है भैया ये तो दो दो नाम प्रभात, ठीक है दो दो बच्चे आ गए ना यार, एक प्रभाकर और एक और तो ना प्रखर हमारे लाइव ऐप के स्टूडेंट है, वो भी SSC JE बैच के, ठीक है तो क्या करूं कल्पना बोलना पड़ता है यार, बच्चे ना सोचते हैं कि हमें सब आता है और जब आता ना जाता तो बोलना पड़ेगा ना, तो मैं कह रही थी लक्ष्मण SSC JE में यदि मैं बात करूं तो 70% वेटेज बायोलॉजी का है, 60-70% बायोलॉजी, 20-30% आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पूछता है वो,
18 नंबर की साइंस आई है तो 12 से 13 प्रश्न बायो के रहेंगे, 4 से 5 प्रश्न हाँ अब केमिस्ट्री के ज्यादा दे देता है, बट फिजिक्स के फिर भी उतने नहीं देता। उसको पता है बेटा तुम इंजीनियर हो, तुम बना लोगे, उसको पता है तुम्हें बायो नहीं आती, इसीलिए वो बायो पूछता है, ठीक है। और इसीलिए दीपाली मैम बायो पढ़ाती है मस्त से। अगला प्रश्न है एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक है। प्रभाकर आप भी एसएससी जेई बैच के हैं, क्या बात है। आई थिंक आपने लाइव अटेंड नहीं किया होगा, प्रखर ने किया है, दैट्स व्हाई आई नो हिम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन कह रहा है विच बर्ड इज कंसीडर्ड टू बी द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। मुझे लगता है यार जवाब तो सही आना चाहिए बच्चों का, लेट्स सी कितने बच्चे जवाब सही देते हैं और फास्ट जवाब देंगे सभी लोग, ठीक है, जल्दी जवाब देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, जिन बच्चों ने लाइक कर दिया है वो तो बढ़िया है, एकदम अच्छे हैं, जो नहीं किए हैं ठीक है वो थोड़े से बुरे हो सकते हैं, बट दिल के बुरे नहीं होंगे, ठीक है, वो जाते जाते लाइक कर देंगे सेशन को शेयर भी। यार इस क्वेश्चन का जवाब तो सब लोग दे दो, दिव्या का जवाब सबसे पहले आया है, ठीक है। कल्पना सिंह, यदि आपको एसएससी जेई का कोर्स परचेस करना है तो आप गेट एकेडमी लाइव ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको मिल जाएगा कोर्स, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का भी सिविल ब्रांच का भी, ठीक है। चलिए, इंजीनियर को बायोलॉजी ज्यादा नहीं आता लक्ष्मण जी, इसीलिए ना दीपाली मैम पढ़ाती है साइंस है। पूछिए जरा प्रखर से पूछिए, पूरा बायो रट चुका है इन लोगों को, ठीक है, पूरा बायोलॉजी रटवा दिए हैं मुंह में, ठीक है। तो इसीलिए तो साइंस पढ़ाया जाता है ना, इसीलिए तो मैंने कहा कि भैया एक इंजीनियर को बायो नहीं आता है, एक नॉन टेक वाले को फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आता है, तो उस तरीके से आपका सब कुछ यहाँ पर प्रिपेयर होगा। सबका जवाब सही आ रहा है बेटा, तुम लोग का जीके स्ट्रॉन्ग है लगता है मुझे, ठीक है। सबसे पहले प्रखर ने दिया है, देन कपिल ने, स्किल केवी ने गलत दिया है, श्रद्धा, रवि, लक्ष्मण, मनीष, सबका सही है, सबका सही है भाई, कितनों का नाम लूं मैं, सबका सही है, होशियार बच्चे मेरे, एकदम एकदम बहुत होशियार, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे विच वर्ल्ड इज कंसीडर्ड टू बी फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। चलो बेटा अब आती है बारे विज्ञान की, ये प्रश्न तो आपका जनरल नॉलेज है, अब मैडम प्रश्न पूछेंगी, ठीक है, और आप जवाब दोगे, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे आपने एक शब्द देखा दैट इज बर्ड, बर्ड दिख रहा है बच्चों, बर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, पक्षी। अब आप सभी मुझे बताएंगे कि बर्ड बिलोंग्स टू विच फाइलम, बर्ड जो है किस फाइलम से बिलोंग करता है, फाइलम से बिलोंग करता है, या हिंदी में मैं लिखूंगी तो आप मुझे बताएंगे पक्षी किस संघ से बिलोंग करता है। लेट्स सी किसको आता है इतना, ठीक है, किस संघ से आता है। चलिए थैंक यू सो मच प्रखर, थैंक यू डियर, ठीक है। और बिल्कुल ना प्रखर लोगों ने पढ़ा है लाइव ऐप में, और प्रभाकर भी कह रहे हैं लिए हैं तो आप पढ़े होंगे, तो आपको पूरा बायो, मैं बायो में एसएससी जेई के मैच में मेरा फोकस बायो पे ही है, मैंने बायो के बहुत ज्यादा ही चैप्टर्स पढ़ाए हैं, बल्कि फिजिक्स केमिस्ट्री उतना नहीं है, केमिस्ट्री में जो आया है आईयूपीएसी नेमिंग वो सब भी पढ़ाया है, ठीक है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो आप गेट एगेट में लाइव ऐप डाउनलोड करके वहां से एसएससी जेई कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, तो मुझे अब यहाँ पे सबसे पहला जवाब श्रद्धा का, दिन दिव्या का, दिन प्रखर का, स्नेहा, प्रभा, रवि, स्नेहा, ओके बाबू, ठीक है, तुम लोग फाइलम बताए। चलो बेटा अब मुझे तुम लोग बताओगे क्लास, बताओ किस क्लास से बिलोंग करता है पक्षी, किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, जल्दी से बताएं। थैंक यू सो मच लक्ष्मण जी, डेली जुड़िए, आपका बायो स्ट्रांग हो जाएगा, है ना, चिंता करने की बात नहीं है, बायो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। चलो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न है ना, मुझे जल्दी जल्दी बताने, ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे किस क्लास से बिलोंग करता है, जल्दी बताएंगे। हाँ प्रखर बेटा कसम से ऑफलाइन क्लास होती पिटाई हो जाती, ठीक है, अभी की अभी कोई बात नहीं, रिवाइज करोगे, अब आज की क्लास के बाद तुम्हें ना एनिमल किंगडम रिवाइज करना है, कल बॉटनी रिवाइज की हो कि नहीं की हो, अच्छा दिव्या भी रेप्टाइल है, मैं मर जावा, अच्छा बेटा तुम लोग रेप्टाइल बनाए हो ना पक्षी को, ठीक है, तो मैं स्नेक को किस में रखूं, किस में रखूं, मैं सांप हूं आपको किस में रखूं, उसको किस में रखूं, बताओ जरा, हैं हैं, मैं मगरमच्छ को किस में रखूं, दूसरे में रख दूं, एवीज में रख दूं, एवीज में, बताओ जरा। दिव्या का जवाब आया सही, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिव्या का क्वेश्चन जवाब सिर्फ सही आया। बेटा रेप्टाइल वालों ना तुम लोगों को ना लग रहा है क्या ही बता दें अब, हैं, चलो देखो रविशंकर तिवारी एम्फीबियन बता दिए, अच्छा पानी में कौन कौन सा पक्षी रहता है, रवि जी तिवारी जी बताइएगा यार, अरे तिवारी जी चलिए आज बताइए ही आप,
पानी में एम्फीबियन का मतलब है ना, पता है ना एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? उभयचर, उभय का मतलब है दोनों, जो जल व थल दोनों में रहे, जैसे कि मैम उदाहरण है मेढक का, और इन्होंने कह दिया एम्फीबियन है पक्षी। तो अब मुझे तिवारी जी बताएंगे कौन कौन से पक्षी पानी में रहते हैं, जल्दी बताइए जरा, पानी में रहने वाले पक्षियों का नाम बताइएगा। एकदम एकदम दुखी कर दिए हो, एकदम मतलब बायोलॉजी एकदम कमजोर हो गया तुम लोगों का। हाय स्नेहा, आपकी फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल आप डेली अटेंड करिए डियर, बहुत मजा आने वाला है आपको। है बच्चों सुनो, प्लीज सुनो मेरी बात को सुनो, ठीक है? एकदम तहस नहस हो चुका है तुम लोगों के कंसेप्ट का। एनिमल किंगडम को मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया है ना यूट्यूब में, क्या ही बताऊं। जो बच्चे यूट्यूब के हैं और जो बच्चे लाइव ऐप के हैं, वो दोनों लाइव ऐप वाले आज अपना नोट्स रिवाइज करेंगे। बच्चों याद करो वो दिन जब मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाना स्टार्ट किया था, फिर दो दिन बाद मैंने एनिमल किंगडम की जब आखिरी कक्षा ली थी, तो मैंने कहा था कि पूरा का पूरा जो जंतु जगत है वो कुल कितने फाइलम में है। मैंने कहा था बच्चों 10 संघ में है, और इस 10 में 10वां जो था वो क्या था, 10वां जो था वो था कॉर्डेटा फाइलम। कॉर्डेटा फाइलम के अंदर 5 मैंने क्लासेस बताई थी, वो उसमें था रेप्टाइल, उसमें था एवीज, उसमें था आपका कहना चाहिए एम्फीबियन, उसमें था पिसेस। भैया तो कहां से आप लोग एवीज को रेप्टाइल में मिक्स कर दे रहे हो, कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, हैं? एम्फीबियन मतलब उभयचर जंतु, जैसे आपका मेढक हो गया, ठीक है? एवीज में सिर्फ और सिर्फ आते हैं आपके क्या, सिर्फ और सिर्फ आपके आते हैं पक्षी, जितने भी उड़ सकते हैं पक्षी एम्फीबियन में, ठीक है? बच्चों मैंने जब पढ़ाया था ना, तो मैंने ना आपको ना जब अपने आप को सामने रखा था कॉर्डेटा में, ह्यूमन बींग को, मैमल को रखा था, तो मैंने कहा था मैमल और एवीज में कोई डिफरेंस नहीं है, एक चीज को छोड़ के, मैमरी ग्लैंड को। यदि मैमरी ग्लैंड भी पक्षियों में हो जाती ना, एवीज में हो जाती, तो ये एवीज वाले क्या कहला जाते, मैमल कहला जाते। इनका स्ट्रक्चर पूरा सेम है, लगभग हमारे ह्यूमन बींग यानी मैमल की तरह है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, जो जगत है वो एनिमेलिया है, जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा तक बेटा सही बताए हो, ठीक है? लेकिन तुम लोग क्लास गड़बड़ बताए थे, क्या क्या बता डाले बताओ ना, रेप्टाइल, वाह 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 है ना, रेप्टाइल। तो मैं ना मगरमच्छ को बेचारा ना आज शर्मिंदा हो रहा होगा, सुन लिया होगा ना यदि उसने कहीं से, तो उसको आज गुस्सा आ रही होगी तुम लोगों के ऊपर। जाना नहीं एक दो दिन तक आसपास किसी पानी में, ठीक है? धोखे से देख लिया ना पक्षियों को तुमने, जो उसके परिवार में घुसेड़ा है ना बेटा, रुको, ठीक है? तो ये जो हमारा जवाब था, दुनिया का सबसे फास्ट, जो कहना चाहिए फास्टेस्ट आपका पक्षी है, हमारा क्वेश्चन ये था। तो मैम वो पेरीग्रीन फाल्कन है, फाल्कन फाल्कन सब रटे रहते हो, लेकिन बेटा पेरीग्रीन भी पता होना चाहिए। पेरीग्रीन फाल्कन नाम का पक्षी काफी तेज है मैम, इसकी स्पीड लगभग 320 किलोमीटर पर आवर है, जो कि काफी होती है, ठीक है? काफी हाइएस्ट स्पीड होती है, ठीक है? हाँ बिल्कुल आता है प्रखर, बिल्कुल आता है। थैंक यू सो मच कल्पना, थैंक यू सो मच डियर, ठीक है? तो यहाँ पे मैम हमने देखा कि जो इसका किंगडम है, जो इसका फाइलम है, जो इसका क्लास है, वो आपको पता चल गया। अब बच्चों मैंने कहा कि जो एवीज हैं, एवीज का मतलब क्या है, एवीज क्लास जो है मैम, वो जो है उसमें फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग पक्षी आते हैं, ठीक है बच्चों? अब देखना जरा, आपको मैं सारी चीज बताऊंगी। अभी जो मैंने एक लाइन कही ना, उस लाइन को मैं आपको फील करा के दिखाती हूँ। कैसे फील करोगे बेटा? मैंगो शेक तो है नहीं कि मैम मैंगो शेक में हम फील कर लेंगे, ठीक है? ये बेचारे मेरी चिड़िया दिख ही नहीं रही तुम लोगों को यार, मेरी वजह से छुप गई है, कोई बात नहीं। जो एवीज होता है यानी कि फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग, देखो बच्चा ऐसा भी कुछ पक्षी है जो नहीं उड़ पाते, तो ऐसा नहीं है कि हम उनको कहीं और रख देंगे, उनको भी हम एवीज में रखेंगे। एंड एवीज इज अ क्लास, ठीक है? एवीज इज अ क्लास, ठीक है? तो एवीज में मैम क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जितने भी पक्षी हैं उनका हृदय 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है? और ह्यूमन बींग यानी कि मैमल्स का भी, ह्यूमन बींग किसमें आते हैं, मैमल में आते हैं ना, स्तनधारी होते हैं, इतना तो पता है, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है ना, तो चुल्लू भर पानी लो, ये लो मेरी तरफ से लो, थोड़ा सा इसमें चुल्लू भर बचा हुआ है, ये लो थोड़ा थोड़ा सब लोग लो और डूम भर लो। बेटा पेपरवा इतने पास हैं तुम लोगों के हैं, और तुम लोग ना बस नोटिफिकेशन आ गया है ना प्रखर, एसएससी जेई का सब कुछ डेट वेट आ गया है ना, कैलेंडर पूरा 2022 का कब कब होना है शायद, देख लेना, ठीक है? तो मैम यहाँ पे वार्म ब्लडेड होते हैं, इनका जो खून होता है गर्म होता है, हमारा भी गर्म होता है, ठीक है? ये भी फेफड़े से श्वसन करते हैं और हम भी करते हैं, देखते हुए जाना, ये भी किडनी से उत्सर्जन करते हैं और हम भी करते हैं,
इनमें पंख होते हैं, हमारे में नहीं होते बेटा, ठीक है, होते तो फिर क्या ही बात थी, है ना, पूरा का पूरा फ्लाइट का खर्चा बच जाता। इनके अंदर न्यूमैटिक बोन होती है, ये जो ऐसे ऐसे उड़ पा रहे हैं ना बेटा, किसकी वजह से उड़ पा रहे हैं, न्यूमैटिक बोन की वजह से उड़ पा रहे हैं, ठीक है। हाँ अब बिल्कुल इस बारे में तो क्या ही कहें, इन लोग का पेपर का कैसा लंबा खींचते हैं। और एग्जाम्पल क्या क्या है, तो कबूतर है, तोता है, मैना है, आपका पिकॉक है, पेंगुइन है, कीवी है, हमिंग बर्ड है, ऑस्ट्रिच है, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो मैम, इतनी इन्फॉर्मेशन और वो भी एक एक प्रश्न से, भैया जरूरी है, ऐसे ही थोड़ी भौकाल है अद्वैत एजुकेशन का, है ना, ऐसे ही थोड़ी भौकाल है अद्वैत एजुकेशन का, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, ठीक है, कि किस तरीके से जो है मैम एवीस काम कर रहा है, एवीस के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अगली बार प्रश्न एसएससी जेई का प्रश्न, एसएससी जेई वाले यहाँ पे कितने हैं, 5-6 बच्चे हैं, सबको बता दो, ये जो 4-chambered हार्ट वाला लिखा है ना पहली लाइन, इससे प्रश्न बनाया है आपके एसएससी जेई में, ठीक है। और ऐसा वैसा नहीं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाया है, बताओ जरा, एवीस में 4-chambered है, पीसीएस में 3-chambered, पूरा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज फॉर्म कर दिया है, किसी भी पॉइंट से क्लास में क्वेश्चन आपके पेपर में क्वेश्चन बना लेगा, ठीक है बेटा। चलो अब यदि हाँ बोलो, हाँ बोलो तो आगे बढ़े, ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं, मैं अपनी तारीफ थोड़ी कर रही हूँ, मैं अपने कहना चाहिए संस्थान की तारीफ कर रही हूँ, जो एक्चुअल में काबिले तारीफ है, हम नहीं करते, बच्चे करते हैं यार, बच्चे एकदम कॉल करेंगे, हमें कोर्स लेना है एडीओ का सर, और ऐसे ऐसे बात करेंगे ना सर, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, ऐसा लगता है जैसे मतलब मजा आ जाता है सुन के। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नॉट वल्नरेबल टू न्यूक्लियर रेडिएशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एकदम आसान भी है। मानव शरीर का कौन सा अंग है जो परमाणु विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है, ठीक है, बहुत बढ़िया, तिवारी जी तो एकदम धुआं दे दिए, है ना, मतलब अगर क्वेश्चन आसान हो तो फिर क्या बात है ना, बन ही जाता है। चलिए जल्दी जल्दी यार सब लोग, हाँ ये बोन मैरो वाला, नहीं नहीं कैसे भाई, नहीं 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 इतना भी नहीं सोचना है श्रद्धा, थोड़ा ज्यादा सोचा तुमने इस क्वेश्चन में, ठीक है, और कौन ज्यादा सोच लिया, देख रहे हो एक 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 किसी ने क्या किया, लाइक किया फिर उसके बाद हटा दिया, अरे भैया है ना, धोखे से फिर से डिसलाइक ठोक दिए, अरे नहीं ठीक है। चलिए लेट्स सी बेटा, क्लास एंड होते होते 50 पहुंचा देना, बता रहे हैं ऑप्शन ए होगा भैया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, कह रहा है मानव शरीर का कौन सा अंग परमाणु विकिरण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है, सर्वाधिक का मतलब है सबसे ज्यादा संवेदनशील जो है वो है स्किन, क्या है बच्चों, स्किन, यानी कि आपकी कभी भी सबसे पहले जो परमाणु विकिरण होता है वो आपकी स्किन को पहले सबसे पहले प्रभावित करता है, सबसे तेजी से प्रभावित करता है ना, तो क्वेश्चन यही है सर्वाधिक संवेदनशील, तो भैया बोन मैरो तो बाद में जाएगा ना अंदर, सबसे ऊपर जो चीज है वही सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है, दैट इज अ स्किन, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था, ज्यादा सोचना नहीं है, यू कैन सी फ्रॉम हियर, ठीक है। चलिए हाइग्रोमीटर का उपयोग बता देंगे, एकदम आसान है, मुझे नहीं लगता किसी बच्चों का गड़बड़ होगा, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी बच्चे का सबसे कम तो कहीं नहीं होता तिवारी जी, पूरा का पूरा शरीर निपट जाता है, ठीक है ना, और यदि आपने देखा ही होगा इसका जो भोपाल में गैस कांड हुआ था, ठीक है, वो एक एग्जांपल है, और मतलब आपने देखा है जापान के हिरोशिमा नागासाकी में कई सालों तक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कहना चाहिए आपका असर खत्म नहीं हुआ है ना परमाणु विकिरण का, तो वो उसका विकिरण का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, मोस्ट सबसे ज्यादा संवेदनशील तो स्किन होती है, ठीक है। जल्दी से भैया बता देंगे यहाँ पे कितने बच्चों का जवाब जो है सही है, ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होगा, मुझे लग रहा है क्या किसी का गलत होगा, जल्दी बताएंगे, बहुत बढ़िया। हाँ स्नेहा जी, डेली क्लास 9 बजे से शुरू हो जाती है, ठीक है ठीक है, डेली क्लास 9:15 से स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ कभी कभार तो थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का आगे पीछे होता है, बट डेली क्लास रात में 9 बजे होती है, डेली डेली मतलब डेली, ठीक है। वो मैम थोड़ी छोटी छोटी इसलिए दिख रही है बच्चों, जो नए हैं उनको बता दें, क्योंकि मैम जो है मैम की तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है ना, तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, जो नए बच्चे हैं उनको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा क्लासरूम का, कब क्लास है कब नहीं। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, मेजर लेवल्स ऑफ ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए जो होता है हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, हाइग्रोमीटर का, ठीक है।
चलिए हाइग्रोमीटर में ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब अब जैसे आ गया बरसात का सीजन, हवा में इतनी ह्यूमिडिटी रहती, इतनी ह्यूमिडिटी रहती, पूछो मत, ठीक है। तो किसके थ्रू मेजर करते हैं मैम, वो हम मेजर करते हैं बिल्कुल हाइग्रोमीटर की तरह। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, विच एलिमेंट इज कॉल्ड डेविल्स कॉपर, किसे हम कहते हैं डेविल्स कॉपर, ठीक है। जल्दी बताएंगे और एकदम बोलते ही सवाल, मुंह से सवाल निकलते ही जवाब आ जाना चाहिए, मुझे ऐसी उम्मीद है। बाकी देखते हैं बेटा कितने बच्चे सही जवाब देते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से जवाब देंगे। यस गायत्री, थैंक यू सो मच डियर। तिवारी जी ने फिर से सबसे पहले दिया और इस बार सब बच्चे सही दिए हो, ठीक है बेटा। थोड़ा थोड़ा तो बनने लग गया तुम लोगों से, है ना, थोड़ा थोड़ा बनने लग गया। बिल्कुल सही ऑप्शन है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, निकल इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। देखो बेटा होता क्या है ना, जो निकिल का नाम है ना, इसे ना कॉपर निकिल या ना डेविल कॉपर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे जो है हम डेविल कॉपर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैम क्यों जानते हैं, क्योंकि जब ना एक्चुअल में ना कॉपर की खोज कर रहे साइंटिस्ट को ना क्या मिल गया, निकिल मिला। तो कहे भैया हम खोज रहे थे कॉपर, मिला हमको निकिल, तो ये ना डेविल कॉपर कहलाएगा, मतलब कि डेविल कॉपर कहलाएगा बेसिकली, ठीक है। यही बात है कि इसे हम डेविल कॉपर के नाम से जानते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन वॉज बिल्ड इन वेयर, कहाँ बनाया गया था दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन। इसी से मुझे याद आया, किसी ने परमाणु मूवी देखी है क्या, जॉन अब्राहम की, वो भी आपके पोखरण भी बनी हुई है ना, कि पोखरण को किस तरीके से अंजाम तक पहुंचाया गया, कहाँ से कहानी शुरू हुई और किस तरीके से अपने इंडिया में ना, जितने भी जैसे भी रॉकेट्री मूवी आई, मतलब ये एक्चुअल में जितने भी साइंटिस्ट का स्ट्रगल रहा है ना, मतलब वो देख के ऐसा लगता है यार कि क्या ही बोले, मतलब किसी सरकार को टारगेट नहीं कर रही, बट कुछ सरकारें रही हैं जो इन टैलेंट्स को ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से देश कहीं ना कहीं पीछे, बट ठीक है, फिर भी काफी कुछ ग्रो कर लिए। बट कहते ना किसी इंसान में जज्बा हो तो वो पहुंच ही जाता है, ठीक है। रशिया तो नहीं है बाबू, क्योंकि ना जो पहला स्टेशन बनाया गया था वो बनाया गया था पेनिनसुला में, ठीक है ना। तो ये पेनिनसुला जो है आपका, ये है आपका यूएसए में, जहां पे पहली बार, मतलब देखो ऐसा जो एक्चुअल में वर्क करे, ऐसे पावर स्टेशन की बात नहीं हो रही है जिसने हमने इंस्टॉल किया वर्क नहीं किया, है ना। तो जो बेस्ड है वो है 1958 में बनाया गया, और जो पहली बार वर्क किया था वो है मैम यूएसए के, कहाँ पे, पेनिनसुला में, ठीक है। चलिए देखिए, प्राउड फील होती है, बिल्कुल जाके देखो यार, ये सारी मूवीज आपको देखनी भी चाहिए और इम्पोर्टेंट भी है, परमाणु भी आपकी जितनी भी है, ये रॉकेट्री है, और देखनी चाहिए यार, है ना। झुक झुक जियो देख के क्या मिलेगा, मतलब मैं किसी पर्सन को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट मतलब जस्ट ठीक है, आइडिया होना चाहिए, है ना। साइंस की टीचर हूँ तो मैं ये तो कहूंगी ना, या साइंस से रिलेटेड आप चीजों को जानो, ठीक है। चलिए गजब मूवी है वो भी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेम इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चर्ड बाय मैनो ग्रुप। आई विल से श्रद्धा, ठीक है, फिर बताती हूँ। नेम इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार, ऐसी पहली इलेक्ट्रिक कार कौन सी थी जिसे मैनी ग्रुप ने बनाया था, मैनी ग्रुप ने बनाया था, ठीक है। अब तो बेटा नाम यहाँ पे मतलब अब तो इलेक्ट्रिक कार की होड़ लग चुकी है, ठीक है, बट काफी कुछ इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, बट लेट्स सी। यहाँ पे सबसे पहले जवाब श्रद्धा का आया है और प्रखर का आया है, सबका आया है, रेवा इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सबसे पहली बार जो है मैनी ग्रुप ने जो बनाया था फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार, दैट इज रेवा, रेवा इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलो भाई सही जवाब दे दिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। हाँ, अगला क्वेश्चन है, लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार रीचेस द अर्थ इन, निकटतम तारे से प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। सभी बच्चे जवाब देंगे, ठीक है, जल्दी से जवाब देंगे, फास्ट देंगे, ठीक है। जो निकटतम तारे से प्रकाश है वो कितने समय में पहुंचता है, चलिए भाई देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया है। यार 35 चल रहे हो यार, सेशन को शेयर वेयर ठोक दो यार कम से कम यार, मतलब इतना प्यार तो करते हो यार तुम लोग यार, कि मतलब स्टेटस स्टेटस में डाल दो, ठीक है। चलिए श्रद्धा का जवाब आ गया है, क्या आया है, हाँ ठीक है, फिर
अच्छा किसी ने, तिवारी जी ने बी ऑप्शन दिया, गिरिजा ने भी दिया, अरे बाप रे 4.2 मिनट, ओह माय गॉड, पूरा कंसेप्ट ही खत्म हो गया यहाँ पे। ना बेटा ना, बी ऑप्शन, अरे बाबू इतना जल्दी पहुंच जाता प्रकाश, देखो ये तो इतना तो जानते हो ना, इतना कॉमन सेंस कि हमारे जो जैसे हमें सूर्य है, चंद्रमा है, ये हमें तारों से बड़े दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये तारों से पास है, तारे हमसे और दूर हैं। तो बाबू जब तारे से दूर हैं, तारे हमसे और दूर हैं, तो हमें वो मिनट में पहुंचेंगे, पृथ्वी पर मिनट में पहुंचेगा प्रकाश। कम से कम 4.5 साल लगता है ना, स्टार की जो कहना चाहिए लाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने में, बंद कर दो ठीक है, जो स्टार की जो लाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने में, क्लियर है? मतलब तुम लोग यार, मतलब है यार, बचपन से दादी बिस्तर पे लिटा के कहती थी बेटा वो तारे देखो, दादी लोगों को भी पता था तारे बहुत दूर होते हैं इसीलिए बहुत छोटे दिखते हैं, ठीक है? क्यों चमकते हैं? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। हाँ दादी ने ये नहीं बताया होगा ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ठीक है? तो ना वरना तारे और ज्यादा शाइन करते, ठीक है? तो इनकी जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, तो वहां से जो लाइट पहुंचती है वो अप्रोक्स 4.3 इयर्स लेती है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अ ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ठीक है? सभी लोग जवाब देंगे, रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली रक्त वाहिका क्या कहलाती है? हृदय से दूर ले जाने वाली रक्तवाहिका क्या कहलाती है? जल्दी से, 38 हो गया, बहुत बढ़िया, सब लोग लाइक शेयर कर देंगे, सभी बच्चे लाइक शेयर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चे नए हैं वो सेशन को ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, अद्वैत एजुकेशन ऐप डाउनलोड करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यहाँ पे जो है, अच्छा अच्छा, कोई भी गलत जवाब दे रहा है? नहीं दे रहा है, होशियार हो बेटा तुम लोग, अरे वाह बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम का नॉलेज है ना, चलो ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन वाले को भी बताओ ना, एक ऐसी धमनी भी है जो नहीं ले जाती है, उस धमनी का भी नाम बता दो जल्दी से, उस धमनी का भी नाम बता दो जल्दी से। एक्सेप्शन भी तो है, रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली एक ऐसी भी है जो नहीं लेकर जाती, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है? वैशाली ने भी दिया, जुफू ने, ज्योति ने, मनोज ने, स्नेहा ने, लीना ने, वर्षा ने, छाया ने, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। तिवारी जी सबसे पहले लिखती है, एकदम आगे हैं, बहुत बढ़िया। पल्मोनरी आर्टरी, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगी और सबका एकदम जो है बिल्कुल सही जवाब साथ आगे बंद कर दूंगी, ठीक है? रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली जो रक्त वाहिका है मैम, वो क्या है? वो हमारी धमनी है। और एकमात्र ऐसी धमनी है जो बाहर नहीं लेकर जाती है मैम, वो कौन सी है? वो है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है? एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो नहीं ले जाती है, ठीक है मैम? साथ ही साथ जो है कहना चाहिए, देखो एक है बाहर ले जा रहा है, एक है अंदर ला रहा है, ठीक है? बाहर ले जाने वाला प्योर ब्लड लेकर जाएगा और अंदर लाने वाला इम्प्योर ब्लड लाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है? जब इम्प्योर ब्लड ला रहा है वो कौन है बाबू? वो शीरा है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आपको वेन्स कहते हैं, ठीक है? साथ ही साथ जो है मैम, हमारी जो एक वेन है जो ऐसा वर्क नहीं करती, उल्टा करती है, वो है पल्मोनरी वेन, ठीक है? दोनों ही नाम आपको पता होना चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ठीक है? वैसे तो पता ही होगा यार, जवाब दे दियो कुछ लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन है जो तपेदिक के खिलाफ प्रभावी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट जो है इफेक्टिव है, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग, ठीक है? फास्ट, एकदम फास्ट जवाब देंगे। एक बात कहना चाहूंगी, चूंकि क्लास है उसके साथ, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में जो है फेयर नहीं हो रहा है, ऐसा हम सोचते हैं ना, ये सद्गुरु जी ने ऐसा कहा, तो मैं बस वही मैसेज बताना चाहती हूँ। चलो बच्चों का जवाब तो आ गया ऑप्शन डी, डी डी, बाकी बच्चे भी जवाब दे दें तब तक। तो जब हमारी लाइफ में फेयर ना हो तो समझ जाना कुछ फैंटास्टिक होने वाला है, इसीलिए कुछ फेयर नहीं हो रहा। क्या चाहते हो, लाइफ में फेयर हो, है ना? फेयर हो या फैंटास्टिक हो, फैंटास्टिक होना चाहिए यार, है कि नहीं? दैट्स वाई हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो परेशान है ना यार, मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, फेयर नहीं हो रहा है, अरे तुम्हारे साथ कुछ फंटास्टिक होने वाला है, ठीक है?
चलिए इसीलिए जो है लाइफ में फेयर नहीं हो रहा है। तो आइए प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग, संदीप सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग संदीप सर, मैंने बच्चों को अच्छे से बताया है कि ना बैंकिंग की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो डेली सुबह 10 से 11 मैथमेटिक्स आपको सीखना है और इंग्लिश जो है 3 से 5, 3 बजे से सीखनी है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हाँ जी बसंत जी, तो यहाँ पे जितने बच्चों ने स्ट्रेप्टोमाइसिन जवाब दिया है और लगभग सभी ने दे दिया बेटा, है ना, थोड़े थोड़े बच्चों का गलत है, जैसे देव कुमार, गिरिजा, इन लोगों ने गड़बड़ किया है। हाय आदित्य, ठीक है, तो उन लोगों का गलत है, बाकी का सही है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एक आपकी एंटीबायोटिक ड्रग है, बेसिकली दवाई है, ठीक है, जो बेसिकली जो है आपके ट्यूबरकुलोसिस के लिए बेस्ट जो है मानी जाती है, फर्स्ट एंटीबायोटिक रेमेडी मानी जाती है, ठीक है। आई एम नॉट गुड एज ऑलवेज बट ठीक हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो कितने बच्चों ने सही जवाब दिया था, मैक्सिमम ने दे दिया है, अप्रोक्स आई थिंक काफी सारे बच्चों ने दे दिया है, तो ऑप्शन डी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, यानी तुम लोग बेटा होशियार हो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, ठीक है। अरे क्या बात है, गायत्री ने भी एकदम सही बात लिखी है, बिल्कुल, मुसीबतें भी इसीलिए आती हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो है हम कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है, और वैसे भी जो है मुसीबतें उसी के पास आती हैं जो मुसीबतें टैकल करने की क्षमता रखता है, ठीक है। ईश्वर को भी पता है ये इंसान झेल लेगा, तो चलो बेटा इसे झलवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, और अभी अभी ज्वाइन किए हैं, क्या बात है मिश्रा जी, आदित्य आप डेली क्लासेस ज्वाइन करें और डेली आपको यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली रात में 9 बजे से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे मैं बता दूं कि जिन बच्चों का जवाब आ चुका है वो बहुत ही बच्चे अच्छे हैं भैया। क्वेश्चन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय, 5 साम्राज्य नहीं है, 5 जगत बोलते हैं वैसे अपन इसको, क्या बोलते हैं, जगत। फाइव किंगडम, ठीक है, 5 जगत, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो विटकर ने कितने कितनों ने दे दिया, सबने दे दिया है, ठीक है, सबने दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो ना बेटा, तुम लोग जवाब दे दिए हो तो होशियार हो थोड़ा, मान लिया, अब लेकिन मैं ऐसे थोड़ी जाने दूंगी तुम लोगों को, मुझे बी सी डी ऑप्शन का भी बताओ ना, हैकल ने क्या किया और लीनियस ने क्या किया, कोपलैंड ने क्या किया, प्रखर का जवाब आना चाहिए, जल्दी जल्दी लिख दो, हैकल ने कितने क्या किया, लीनियस ने, कोपलैंड ने, तीनों का इन्वेंशन लिख दो, जल्दी जल्दी बता देंगे तीनों का, ठीक है। जुफू बच्चा आपको जो है, जुफू बाबू आपको जो है ना मेरा एनिमल किंगडम का लेक्चर देखना होगा, एनिमल किंगडम का लेक्चर देखना होगा, देखो उसका फ्लेवर मिक्स है। स्नेहा जी यदि आप एसआई की तैयारी कर रही हैं तो मैं एसआई का जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी लेकर के आऊंगी, है ना, खाली एसआई का ही जो पुराने पेपर है उसके साइंस के क्वेश्चन भी लेकर के आऊंगी, बट अभी आपको तीनों ही चीजें पढ़नी होगी, तीनों पे फोकस करना होगा, है ना, उस पर ऐसा कोई बेस्ड नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ बायो ही ज्यादा पूछा है, फिजिक्स ज्यादा पूछा है, केमिस्ट्री ज्यादा पूछा है, ठीक है। और जवाब सबसे पहले लिखा है लीना ने, एकदम सही है, अच्छा श्रद्धा ने, प्रखर ने, तीनों ने लिखा, वेल डन गाइस, फिर अपने प्रखर ने कोपलैंड भी बता दिया, वेल डन, लीना ने बता दिया, रविशंकर ने बता दिया, अभी एक बचे हुए हैं, लीनियस को क्यों भूल गए भाई, अच्छा रविशंकर ने लिख दिया लीनियस का, ठीक है, मिला जुला करके सरकार बना लियो, है ना, बिल्कुल जैसे अभी चल रहा है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, उथल पुथल, बहुत बढ़िया, ठीक है, एब्सोल्युटली, मतलब इतना पता है। जुफू को थोड़ा आ रहा है डाउट कि मैम ये क्या जगत की बात कर रही है आप, तो बाबू जुफू थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे कहाँ गया भैया, ये लुका छुपी बहुत खेलता है हमारा माउस, जो हमारा पूरा का पूरा कहना चाहिए क्या है मैम, पूरा का पूरा कहना चाहिए ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो जीवों का वर्गीकरण है, जीवों का वर्गीकरण है वो कुल किया गया है कितने प्रकार से मैम, जीवों का वर्गीकरण किया गया है आपका कितने प्रकार से मैम, वो किया गया 1, 2, 3, 4 and 5, जिसमें सबसे पहला आता है जुफू एनिमल किंगडम, जिसे कहते हैं जंतु जगत, दूसरा आता है प्लांट किंगडम, जिसे हम कहते हैं पादप जगत,
तीसरा आता है मोनेरा जगत, चौथा आता है फंगस जगत, पांचवा आता है मोनेरा प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया। तो मैम आपने ये पांच जगत तो बताए। देखो बेटा इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं कुछ वायरस हैं कुछ मतलब बहुत छोटे और बहुत बड़े, हमारी तरह इतने बड़े बड़े, हाथी की तरह इतने बड़े बड़े हैं, तो इनको बांटना तो होगा। तो सबसे पहली बार हमारे कार्लस लीनियस ने ना इस काम को स्टार्ट किया, और कार्लस लीनियस ने जो बांटा वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम में इन्होंने एनिमल किंगडम को इंट्रोड्यूस किया और प्लांट किंगडम को किया। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं, जैसे सभी बच्चों ने यहाँ पे जवाब दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है तिवारी जी, डिजिटल बोर्ड पर इसलिए नहीं पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। ठीक है, व्हाट इज जीकेपी? ठीक है, तो मैम यहाँ पे जो है नेक्स्ट है हैकल। अब हैकल ने क्या किया, हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने प्रोटिस्टा की खोज करी। फिर कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, फिर हमारे विटकर साहब आए जिन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो विटकर ने जो है इंट्रोड्यूस कर दिया आपके फंगस को भी, और सारे कुल मिलाकर हो गए मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई एनिमिलिया प्लांटी। मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई एनिमिलिया प्लांटी ने टोटल पांच जीव को, ठीक है, क्लियर हुआ। तो मैम किस साइंटिस्ट ने दो किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, तो वो थे कार्लस लीनियस। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने किया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने किया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आरएचओ विटकर ने किया। चलो अब बच्चों होशियार हो गए हो तो एक और जवाब दे दो, आरएचओ विटकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की खोज कब करी थी? जल्दी से जवाब दे देंगे। थैंक यू सो मच प्रखर, एक तुम ही हो जो इतने सारे प्यारे प्यारे हार्ट्स बना देते हो पूरे विद्योर वाले। ठीक है, लाइव ऐप में भी बनाते थे याद है मुझे। चलिए जल्दी से बताएंगे कि कब दिया था इन्होंने। ठीक है, गूगल सब कुछ सही नहीं बताता है जुफू बेटा। ठीक है, सारा कुछ सही बता देता तो काहे को फिर, ठीक है, किताबों की जरूरत काहे को पड़ती। ठीक है, और वैसे भी ये प्रश्न में नहीं पूछा जाता है कि जीवों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, वो जो पूछा जाता है प्रश्न आपके सामने है बच्चा। वाह बहुत बढ़िया, सबसे पहले दिव्या ने दिया है जवाब, फिर प्रखर ने दे दिया है, एब्सोल्युटली। अरे यार इधर वाला जो लिखे वो तो दिख ही नहीं रहा तुम लोगों को, है यही गड़बड़ हो जाता है डेली का डेली। बच्चों जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने यार अपन को, है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना, लाइक शेयर ठोकते रहो तुम लोग। हाँ शायद 1969। हाँ सुफू मेरा एनिमल किंगडम का तुम रिकॉर्डेड वीडियो देखो, वहां पे मैंने बोर्ड पे भी पढ़ाया है, तब मेरी तबीयत ठीक हुआ करती थी। ठीक है, मई के लास्ट वीक में मैंने पढ़ाया है, देखना। ठीक है, और बिल्कुल जो 1969 वाले बच्चे हैं वो एकदम सही है, किसी का भी सन तो नहीं पूछता है कि किस सन में हुआ, बट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की खोज कब हुई थी तो 1969 इन्हीं बस का पूछता है। ठीक है, 1969 में हुई थी मैम। ठीक है बच्चों, चलिए 1969 में आरएचओ विटकर जी ने जो है खोज करी किसकी, पांच जगत वर्गीकरण की। लेकिन बच्चों एक बात बता दूं कि वायरसेस को अभी भी फिलहाल कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, यही कारण है कि थोड़े से वायरसेस ज्यादा आवारा गर्दी करते हैं ना, इतने ज्यादा रेप्लिकेशन करते हैं, इतने ज्यादा म्यूटेशन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, और फिर इसके बाद पूर्ण विराम देते हैं बच्चों। लेकिन उसके साथ ही आप लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना जाने से पहले, ताकि मैम जो है पूरी एनर्जी के साथ आप सभी को जो है डेली मिले। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जीव विज्ञान की शाखा विलुप्त जीवों से संबंधित है, वो कौन सी है? जल्दी से बताएंगे, फास्ट बताएंगे, जवाब देंगे। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है खो गए हो बेटा तुम लोग, वरना अभी तक तो जवाब दे देते तुम लोग, फास्ट पे में जवाब देंगे सभी बच्चे। चलिए विलुप्त जीव समझते हो, जैसे हमने कहा यार आपका सबसे ज्यादा कॉमन वाला जो सब लोग आप लोग जानते हो। ठीक है, सब लोग दे दिए यार, दे दिए जवाब। श्रद्धा प्रखर रवि ने तो ए दिया, ए कहां से हो जाएगा, ए तो संभव ही नहीं है। मनीष ने भी सी दिया, बाकी लोगों का जवाब नहीं आया है। तो मैं बता दूं कि जितने बच्चे ऑप्शन सी दिए बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों आपने कभी तो देखा होगा ना कि जैसे काफी दिनों से जैसे पुरातत्व विभाग होता है,
जो कि आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे का, मतलब कि ना खुदाई किए, तो जैसे आपने देखा होगा सारनाथ है, सारनाथ में खुदाई करते समय यहाँ पर ये मिले, तो वहां पे आपने देखा है जो आपका अशोक चक्र है, सारी चीजें हैं, ये सब कहाँ मिली? खुदाई के दौरान मिली, पुरातत्व विभाग को मिली। वैसे ही बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसे जीव हैं जो आज के डेट पे विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, जैसे आपके जीव पे बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। डायनासोर, हाँ अभी नाम याद है मुझे, डायनासोर सबसे ज्यादा कॉमन है, जिसका मतलब अभी कहना चाहिए एक मिला है जाके काफी दिनों पहले वो, और मतलब उसकी आपको हड्डियां मिलेंगी, उसके स्केलेटन मिलेंगे। वैसे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वो जीव जो हैं जो मैम विलुप्त हो चुके हैं, उनको जो है साइंस की हम किस ब्रांच के अंतर्गत डील करते हैं, दैट इज पैलेंटियोलॉजी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पैलेंटियोलॉजी। तो ऑप्शन सी वाले बच्चों का जवाब सही होगा। हाँ मुझे डायनासोर याद नहीं आ रहा था, ठीक है। हाँ स्नेहा, मेरी क्लास स्मार्ट बोर्ड में ही होगी बेटा, जैसे ही मैं थोड़ा सा रिकवर हो जाती हूँ, ज्यादा भी नहीं थोड़ा सा मैं हो जाऊं, मैं बिल्कुल लेने लग जाऊंगी। मुझे खुद भी, मैं कितना मिस करती हूँ अपने डिजिटल बोर्ड को, एक्सट्रीम लेवल पे, मैं आपको बता नहीं सकती बच्चा, ठीक है। बच्चों से पूछना, जब लाइव ऐप वाले जो बच्चे हैं, जब हम क्लास, तबीयत ठीक रहती थी तो मैं 6-6, 7-7 घंटे क्लास ले लेती थी और मुझे अच्छा भी लगता रहता था, ठीक है, बट अभी का क्या ही बोले। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और आई थिंक जो है यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन सी वाले काफी सारे बच्चे हैं, ठीक है, काफी सारे बच्चे। जो बच्चे नए हैं वो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, और आज का जो क्लास का PDF है मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। कल मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि कल हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की थ्योरी स्टार्ट कर देंगे 1:00 PM। हालांकि हम डेली ऐसा सोचते हैं बट कर नहीं पा रहे, बट वी विल ट्राई। तो कल दोपहर जो है स्टार्ट कर देंगे बच्चों 1:00, तो कल 1:00 भी मिलेंगे अपन, ठीक है। चलिए तो सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। Thank you.